भारतीय संस्कृति पर है गर्व हमें, हमें अपनी संस्कृति पर सदा गर्व रहेगा यह बुजलिया उत्सव। हमें एकता की सीख देता है। कौमी एकता के इस पर्व में सभी उपस्थित होते हैं और इस पर्व पर सभी अपनी बुराइयों की भूल को माफ कर एक दूसरे से गले मिल अच्छाइयों को ग्रहण करने की सीख सिखाता है। विधानसभा जुन्नारदो में परंपरा अनुसार राखी के तीसरे दिन बुजलिया पर्व की धूम जुन्नारदो नगर में देखने को मिली। वही बुजलिया उत्सव समिति के अध्यक्ष शंकर सेन, आशीष ठाकुर, आदर शर्मा द्वारा इनामी दंगल का आयोजन किया गया। नेहरू स्टेडियम जुन्नारदो पर प्रशासन की लापरवाही से बनी दलदल के बीच किया गया कुश्ती का आयोजन। इस आयोजन में बाहर से आए पहलवानों ने मारी बाजी। दंगल के पश्चात बंदा नदी पर हुआ बुजलिया पर्व का आयोजन। बुजलिया आयोजन समिति के अध्यक्ष शंकर सेन ने बताया कि परंपरा अनुसार आदि काल से जब आला उदल बुजलिया विसर्जन के लिए आते थे तब दोनों पक्ष में विवाद होता था कि पहले कौन बुजलिया विसर्जन करेगा। इसी बात को लेकर आज भी परंपरा चली आ रही है। सिटी इन भारत से वीरेन अग्रवाल की रिपोर्ट, जुन्नारदेव। बंधुओं को 15 अगस्त, रक्षाबंधन और भुजलिया पर्व का त्यौहार की शुभकामनाएं। ये तीनों त्यौहार मंगलमय हों। हमारी जो विरासत है, संस्कृति है, रक्षाबंधन के बाद भुजलिया आती है। पूर्व समय में आदिकाल से आला और उदल का ऐसा वृतांत मिलता है कि उन दोनों की ओर से भुजलिया का विसर्जन करने के लिए उनकी महिलाएं और ये लोग यहाँ पे नदियों पे जो नदियाँ रहती थी बड़ी वहाँ जाया करती थी और उसी बीच में कि कौन पहले विसर्जन करता है भुजलिया का, तो उसके ऊपर से उनमें विवाद होता था और रक्त रंजित भुजलिया होती थी उस समय। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये आदिवासी क्षेत्र में भी भुजलिया का विसर्जन जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से किया जाता है हर्षोल्लास के साथ। और दोनों ही जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की मंडलियाँ रहती हैं, वे यहाँ आकर भुजलिया का विसर्जन करती हैं। हम क्योंकि परंपराएं अपनी जगह रहती हैं और परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। जो हमारा इतिहास है वो भूले ना, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस इतिहास को भूले ना, इसके लिए ऐसे आयोजन आवश्यक होते हैं। और आप सभी को हम बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आपके माध्यम से ये जो उत्सव है, जो मेला है, ये विभिन्न स्थान पर आपके माध्यम से पहुंचता है। इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए आप भी महत्वपूर्ण कड़ी हैं, हमेशा आपका सहयोग इसी प्रकार इस मेले को और इस परंपरा को मिलते रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।